14 व 15 जुलाई को आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए बाहर से अभ्यर्थियों का आना शुक्रवार दिन से ही शुरू हो गया था। रोडवेज व आसपास की होटलों में काफ़ी भीड़ देखी गई। अभ्यर्थियों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी ओर रोडवेज द्वारा अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी सर, मैं यहाँ पे एग्ज़ाम देने आया हूँ और कल मेरा सुबह निकलिए राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है। तो आपको कोई होटल वगैरह या कोई रूम्स नहीं मिला क्या? नहीं सर, मैंने पता किया है कि कहीं पर रूम वगैरह होटल वगैरह मिल जाए, पर मिला नहीं, तो फिर मैं यहीं पे स्टेशन पे ही रुकूँगा और सुबह एग्ज़ाम दूँगा। आपके साथ कितने लोग आए हैं यहाँ पे? जी सर, मैं हम लोग 6 लोग हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मथुरा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेम सिंह है, मथुरा से आया हूँ। और मेरी टेक कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आप होटलों वगैरह में धर्मशाला में गए थे क्या? कराने गए थे। और दूसरी बात, ये बस स्टैंड ऐसा है, इस पर लाइट भी नहीं है। लाइट भी नहीं, बस क्या हाल हो रखा है, पढ़ने के लिए लाइट भी नहीं है भाई। मोबाइल की लाइट से पढ़ना पड़ रहा है। इस बस स्टैंड पर लाइट की भी सुविधा नहीं है। ये है मतलब ये है राजस्थान के बस स्टैंडों का हाल। आप सब देख रहे हैं, मेरे भाई लोग देख रहे हैं। सेंटर ही बहुत दूर डाला है उधर से, पंजाबपुर था। और यूपी बुलंदशहर से आया हूँ। आपका सेंटर कहाँ पे आया है? सांगवाड़ा है मेरा सेंटर। सांगवाड़ा, मैं यहाँ पे बंसवाड़ा में हूँ। सुबह जाऊँगा 6 बजे। आप पहली बार आए यहाँ पे? नहीं, पहली बार ही आया। पहली बार आया, आज तक कभी नहीं आया मैं यहाँ पे। आया हूँ जी, पूरा पेपर वापर देना आया था, पढ़ना आया था जी। और लाइट रोड की सुविधा को ना, बस स्टैंड है वो, ये बांसवाड़ा को बस स्टैंड राजस्थान को एरिया में आएगा। लाइट की सुविधा नहीं कुछ भी, पूरे हड़े दौड़ माटी उड़ा है जी। बांसवाड़ा में इतनी दूर आए हो जी, हरियाणा से वो बंदा, और इतनी दूर आएगा 150 रुपये तो किराया किराया ले लें ट्रेन का। और थोड़े खाने पीने का 2 रोटी 80 रुपया, 2 रोटी 8 रुपये, 10 रुपये का तो रोटी का ले ही। थोड़ा सुक्का दिन बैठी तो 2 रोटियां पेट भरा, इतना बड़ा शरीर को दिखता को नहीं। और बताओ क्या बोलना जी? एग्जाम है तो आपने कितनी बसें लगा रखी हैं? 10 बसें पैर वाली शुरू ही चलेगी। और किस किस रूट पे, मतलब क्या है? जैसे उधर रोड का जा रहा है, डूबर रोड का, और जो ही यात्री भारी बढ़ेगा दौड़ लगा रहे हैं। इसमें किराया में किसी प्रकार का कोई फ्री अलाउ नहीं है। सिर्फ RTC से सेलेक्ट होने पर इंटरव्यू गए जाने तो ही किराया फ्री है। सर, अभी जैसे यहाँ कोई स्टूडेंट आया है, वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे तो दिक्कत ये है कि लाइट की व्यवस्था नहीं, और हमारे मोबाइल की टॉर्च से हम पढ़ रहे हैं। मोबाइल से बस लगा रहे लाइट लगा और लाइट की सुविधा की जा रही है, लगा रखी और की जा रही है। बच्चे
बच्चे दिन में 2 बजे से आना चालू हो गए हैं, बसों से बाहर से आ रहे हैं बच्चे, जैसे उदयपुर से आ रहे हैं, कुछ अपने प्रतापगढ़ रोड से हैं, इन बच्चों के लिए भी आराम से बस स्टैंड में सो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को मैं 2 आदमी 2 चौकीदार वो लगा रहे, कोई प्रकार की समस्या नहीं है। पढ़ाई के लिए इनके क्या बल्ब व्यवस्था कर दी, लाइटें और जला दी हमने, और 2-3 एक्स्ट्रा और लाइट जला लें जिसको आराम से बच्चे पढ़ सकते हैं। सर सुबह कितनी बजे से यहाँ से रवाना होगी? सुबह हमने 4:30 बजे गाड़ी बना दी, जैसे ट्रैफिक होगा वैसे एक्स्ट्रा खड़ी करते हैं, जैसे ट्रैफिक चल गया वैसे भेजते रहेंगे। 5 बजे से आपकी बात कर सकते हैं सर।